मैं सोमनाथ बोड़के, गुरुकृपा ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट कंपनी, इनका ओनर। मैं नासिक में रहता हूँ, सिंधे गांव टोल नाके के नज़दीक, साई गणेश अपार्टमेंट। मेरा गुरुकृपा ट्रेडर्स इस नाम से बिजनेस, प्रमुख मैं ओनियन का सेल परचेस करता हूँ। और मेरा इधर पिंपल गांव और इधर पूरा महाराष्ट्र से बिजनेस चलता है। तो कोई फर्जी मेरे नाम बता के आपको एडवांस पैसा मांगता है, ऐसा 25-30 लोगों के साथ हुआ है। तो उनके पास, उन्होंने किसी के पास 1.5 लाख एडवांस, किसी को 50,000, किसी को 20-30, जैसा भी मिले वो एडवांस लेता है और माल बेचता नहीं है। वो बताने में उनका मेरे पास सर प्रोफाइल कैसा मिला है मालूम है नहीं है। कोई आदमी इधर का ही, हमारे नज़दीक का, हमारे इस बिजनेस के रिलेशन में कोई आदमी उसको साथ रह सकता है, लेकिन अभी हम उसके, वो आदमी जो फ्रॉड कर रहा है लोगों के पास से, हमारे नाम से बताता है कि मैं सोमनाथ बोड़के का लड़का हूँ, या उनका मैनेजर हूँ, या उनका भाई हूँ, या मैं खुद सोमनाथ बोड़के हूँ, ऐसा बताता है। और लोगों से 50% पैसा एडवांस या 25% जो भी मिले वो लोगों से पैसा लेता है और अपना नंबर, फ़ोन नंबर बंद करता है। उन्होंने गुरुकृपा ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट नंबर खोला है, उनका अकाउंट नंबर IDFC बैंक का है। हमने सब जांच की है, पुलिस FIR की है उनसे, पठारे साहब पिपलगांव के और कौड़े साहब SP साहब नासिक, अपने ग्रामीण अधीक्षक, वो भी उसमें तपास कर रहे हैं। हम अभी उसको पकड़ने के लिए DOI SP का परमिशन ले रहे हैं, वो परमिशन मिलने के बाद हम उसको पकड़ेंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। फिर हम अभी, मेरा जो अकाउंट नंबर है इंडसइंड बैंक का है, गुरुकृपा ट्रेडर्स 6500140147872। इस अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो आपका बराबर मेरे को मिलता है, बाकी आप दूसरे बैंक में जो दूसरे अकाउंट है उसके फर्जी के, वो IDFC बैंक में है, गुरुकृपा ट्रेडर्स के ही है, लेकिन अकाउंट नंबर वो दूसरे हैं। तो आप किसी, मेरे फ़ोन नंबर है 9860311267 और 9637972101, ये नंबर से बात हुए बिना पैसे मत डालिए। आपका पैसा आपको कोविड के इस बीमारी में बहुत अमूल्य है, आपको उसकी बहुत ज़रूरी है। और आपको बिजनेस करना है तो मेरे से बात करिए, यही नंबर पे बात होगा, वही मेरे इंडसइंड बैंक के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो आपका बराबर है। बाकी आप उसके दूसरे फर्जी का बात सुन के, वो मेरा प्रोफाइल आपको दिखाता है, लेकिन आप प्रोफाइल में मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, उसके बातों पे मत जाओ, वो आपको बातों में भुलाता है, बातों में आपको भुलाता है, पैसा भाव कम बताता है, मेन बात है। अभी ब्याज के भाव नासिक महाराष्ट्र में 10 रुपये से स्टार्ट है, 10 रुपये से 15, 16, 17 तक बिक रहे हैं, स्टॉक वाले माल तो ऊपर बिक रहे हैं, फिर भी आपको वो 6-7 रुपया 8 रुपया भाव बताएगा आपसे, आप लालच में आ जाओगे, उसको कुछ पैसा डालोगे। बहुत लोगों ने पैसा डाला है, 35-40 लोगों ने तो फंसे हैं, और भी कितने लोग फंसे मालूम नहीं है, लोग 2-5 हज़ार के लिए फिर छोड़ देते हैं बात, लेकिन ज़्यादा पैसा जिसका गया है वो तो 30-40 लोग है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट बाद में करते हैं कि भैया ये आपके लड़के ने पैसा लिया है माल नहीं दे रहा है, आपका भाई ने पैसा लिया है माल नहीं दे रहा है, अरे आपने पैसा लिया है, अरे भाई कौन से अकाउंट में। तो फिर बाद में जाँच होने के बाद वो अपना, उन्होंने, हमने उनको पुलिस कंप्लेंट जहाँ से भी पैसा डाला है वहाँ पे करने को बोला है, कौन से अकाउंट में, कौन से नंबर पे, गूगल पे पे डाला है, फ़ोन पे डाला है, उस पर वो नंबर, वही आदमी वो जो फ़ोन कर रहा है वो नंबर पे पुलिस कंप्लेंट करने को बोल दिया है। आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, FIR कीजिए उसके ऊपर, और हम जो भी, हम भी उसके तलाश में है। अभी वो मिल गया तो आपका पैसा हम आपको वापस करने का पूरा प्रयास करेंगे, 100% आपको पैसा मिले। अभी वो कोविड के कारण हो तो उसका फ़ायदा ले रहा है, और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा,
आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, जितने भी लोगों ने डाला है उसको पकड़ने के बाद जो भी होगा हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप सावधान रहिए, किसी के बातों में मत आइए, पूरा ध्यान दीजिए मार्केट क्या चल रहा है, किससे बात हो रही है, आप तुरंत पैसा किसी को मत डालिए, पूरा इंक्वायरी कीजिए कौन है क्या है, पूरा प्रोफाइल चेक कीजिए, उसके बातों पे आप आपको प्रोफाइल दिखाता है, देखो हमारा रेटिंग कितना है कि देखो हमारा प्रोफाइल कितना, हमारा नाम कितना है, और लेकिन नाम किसका है, जो प्रोफाइल में नंबर है वो आप देखते नहीं है, वो नंबर पे कॉल नहीं करते आप, उसके बातों पे जाते हैं, वो बोलता है मेरे ये गूगल पे डालो या मेरे ये गुरु कृपा ट्रेडर्स का अकाउंट है वो फर्जी अकाउंट, उसमें पैसा मांग उसमें मत डालिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।